गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, आवाज आ रही है सब सबको? क्लियर है? थैंक यू अभिषेक। तो आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ से कुछ एक दो पॉइंट है जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, और आप यकीन नहीं करोगे, हम वही जो क्वेश्चन है और वही जो क्वेश्चन है हम बार बार गलत करके आते हैं। हमें पता है इस जो टॉपिक है इससे यही क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन बनने का स्कोप ही नहीं है। लेकिन उसके बाद यदि हम गलत करते हैं तो फिर हमारी कमी है ना। ठीक है, तो आज हम इसी सॉरी इसी कमी को दूर करेंगे और आज इस टॉपिक को एकदम क्लास में ही कंप्लीट करके छोड़ेंगे। फटाफट शुरुआत करते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है दोस्तों। देश के बेस्ट एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। जहां तक बात की जाए सिविल सेवाओं के क्षेत्र में मेरे अनुभव की, तो मुझे आईएएस के साथ अलग अलग राज्यों के 12 मेंस देने का अनुभव है और इंटरव्यूज का भी अनुभव है। मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। अपना यूजीसी नेट और पॉलिटिकल साइंस और सॉरी गाइस इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है। मेरा वैकल्पिक विषय हिस्ट्री रहा है शुरुआत से ही। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है unacademy_lalita_kumari। यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, मेरी सारी क्लासेस, चाहे वो स्पेशल पे हो, यूट्यूब पे हो या प्लस पे हो, हर क्लास का लिंक, टाइमिंग सब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो स्पेशल का ऐप है, अनअकैडमी स्पेशल ऐप, उस पर जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आए हैं अनअकैडमी प्रॉमिस। यदि आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन देगा, यानी कि 1 साल बिल्कुल फ्री पढ़ने का मौका देगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। इस ऑफर की लास्ट डेट है 7 जुलाई। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप 1 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टेस्ट, हाँ, यदि आप 1 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 80 टेस्ट बिल्कुल फ्री मिलेंगे, जिसमें 50 टेस्ट पीटी के होंगे, 30 मेंस के होंगे। मार्केट मेन टेस्ट की वर्थ 30,000 के आसपास है, लेकिन आपको ये 1 साल या उससे अधिक पर फ्री में मिल रहे हैं। बिल्कुल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन चल रहा है, 25% प्लस 10% ऑफर टोटल फीस में। यदि आप जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी टोटल फीस में 25% प्लस 10% का ऑफर मिलेगा। ये 10% कब? जब आप मेरे रेफरल कोड ललिता YT का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही महा सब्सक्रिप्शन ऑफर इससे जुड़ा हुआ है। 1 साल का प्लान वैलिड होगा 2022 के मेंस तक और 2 साल का प्लान वैलिड होगा 2023 के मेंस तक। 20 बुक्स आपको मिलेंगी, 100% सिलेबस कंप्लीट है 1 साल या उससे अधिक के सब्सक्रिप्शन पे। मोटे तौर पे मैं बता दूं तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो प्लस है, आइकॉनिक है, कॉम्बो है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको ऑलरेडी 25% प्लस 30% ऑफर है। 1 साल की फीस में 2022 के मेंस तक पढ़ने का मौका है। 20 बुक्स फ्री में मिल रही हैं और आपको 1 साल की जो टेस्ट सीरीज है, 80 टेस्ट है, वो बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। बेहतरीन मौका है दोस्तों 7 जुलाई तक जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है, इससे बेस्ट ऑफर नहीं मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन लेने से पहले यूज करें मेरा रेफरल कोड ललिता YT, 10% डिस्काउंट और आपके सिलेक्शन तक मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन। इसके अलावा लोन की सुविधा अकेडमी पे मिल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहां जाके फॉलो कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, आपको अनअकैडमी टीम कॉन्टेक्ट करेगी। ध्यान रखना, इस संडे को अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट सब्सक्रिप्शन टेस्ट होने वाला है। जो कॉम्बैट होता है वही होगा, अपनी तैयारी को आप लोगों को दुरुस्त रखना है। इस तरीके की प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेशन आप लोगों का होना ही चाहिए। सॉरी गाइज, जो 1 से 3 रैंक होंगे उनको यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके अलावा ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा
रैंक वन को एप्पल आईपैड मिनी मिलेगा, सेकंड रैंक को एयरपोर्ट्स मिलेंगे, और जिसकी रैंक थ्री आएगी उसको JBL स्पीकर मिलेंगे। ध्यान रखना जो टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने होंगे, एक मिनट मिलता है आपको एक क्वेश्चन के लिए। 11 बजे से कब, 11 जुलाई को 11 बजे से एनरोल करा लेना है आप लोगों को। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एनरोल कराने से पहले यूज करना है मेरे रेफरल कोड LalitaYT। दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लस और आइकॉनिक, दोनों में आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना है LalitaYT। 10% डिस्काउंट आपके सिलेक्शन तक मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन। आइकॉनिक में आपको स्पेशली मार्गदर्शक मिलते हैं, लेकिन मैं, यदि आप मेरे रेफरल कोड से आते हो तो मेरा मार्गदर्शन भी आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा आपके सिलेक्शन तक। ऑप्शनल यदि आपको अलग से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं मेरे रेफरल कोड के साथ। अनरेवल UPSC चैनल है, PT में मील का पत्थर साबित हो सकता है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। 3 वीडियोस पर डे आएंगी, 10 क्वेश्चंस होंगे, 5 बिगनर लेवल, 5 एडवांस लेवल, तो प्रैक्टिस करते रहिए और पास कर जाइए। 7 जुलाई से बहुत सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, फोनिक्स रिविजन बैच, 1 ईयर बैच, 2 ईयर बैच, अपनी सुविधा के अनुसार आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहीं पे मैं घोषित कर दूं, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम आप प्लस पे कब आ रही हैं, तो 14 तारीख से, 14 क्या चल रहा है अभी, जुलाई, हाँ जुलाई चल रहा है ना, तो 14 जुलाई से मैं आपको ये जो बैच है ना, फोनिक्स रिविजन बैच फॉर UPSC CSE, इसमें फटाफट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है PT के लिए, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और बनेंगे ही बनेंगे, उन टॉपिक्स को जो प्लस के बच्चे सुन रहे हैं मैं उनको बता दूं, और जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है वो ले लें, ठीक है। यहां मैं लगभग 18 दिन का बैच है, 18 दिन में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एरियाज आपको कवर करा दूं इस बैच में, ठीक है। तो 14 तारीख से मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाती रहूंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है, लेकिन यहाँ रिविजन बैच हमारा चलता रहेगा। फ्री टेस्ट सीरीज अनलॉक कर सकते हो मेरे कोड के साथ। चलो फटाफट आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो बहुत ही इजी टॉपिक है, कल वाला टॉपिक आप लोगों ने, यार अभिषेक इतना लंबा क्वेश्चन अब बाद में करेंगे, ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ लेना, एक बार मुझे आने दो टॉपिक पे। देखो कल वाला टॉपिक किया है, और मैं आशा करती हूं आप लोगों से, आप अच्छे बच्चे हो, है ना, तो आप लोगों ने रिवाइज किया होगा कल वाला टॉपिक, बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा। मेरा ये कहना है कि आज जो हम कर रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग, ये बिल्कुल मिलता जुलता है किससे, संघ लोक सेवा आयोग से। अब क्वेश्चन कहां से बनते हैं, जहां डिफरेंस है ना, जहां पे भी डिफरेंसेस हैं, अंतर है जहां पे दोनों में, या जहां पे यूनिक है कुछ, राज्य लोक सेवा आयोग में कुछ बातें यूनिक है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, बाकी जगह से क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये यकीन मानिए अच्छे अच्छे धुरंधर लोग भी वहां से क्वेश्चन करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना फोकस होके पढ़ाई नहीं होता है कि यार क्वेश्चन कहां से बनेगा। आज हम उन्हीं मुद्दों पे चोट करने वाले हैं, ठीक है, तैयार हो मेरे साथ, ठीक है, आ जाओ आप। कल हमने देखा राज्य लोक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग में भी, कि भारत के भाग कौन सा, 14th भाग में 315 से लेके 323 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियों के अलावा इसका गठन, सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी का उल्लेख है। सेम बात है संघ लोक सेवा आयोग भाग 14, 315 से 323, आज सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही राज्य लोक सेवा आयोग भी दोस्तों भाग 14, 315 से 323, इसकी स्वतंत्रताओं, इसकी शक्तियों, इसका गठन, इसकी संरचना, इसकी बर्खास्तगी आदि सभी विषयों का जिक्र है। पहली बात एकदम 100% करते जाना है, क्लास में याद हो जाना चाहिए। दूसरा, अब हम देखेंगे गठन, गठन का क्या मसला है जी, कंपैरिजन अपने दिमाग में करते रहना, मैं भी आप लोगों को याद दिलाती रहूंगी। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा कुछ सदस्य होते हैं, जिन्हें कौन नियुक्त करेगा राज्य लोक सेवा आयोग का, राज्यपाल नियुक्त करेगा। भाई राज्य लोक सेवा आयोग है तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, पहला डिफरेंस, ठीक है जी, याद हो गया। दूसरी बात, संविधान में
आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है पूरे संविधान में, मतलब ये जो भाग है इसमें राज्य लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे कोई उल्लेख नहीं है। सेम बात है संघ लोक सेवा आयोग की तरह, यह राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि कितने सदस्य वो रखें, समझ गए। और वांछित योग्यता का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, कोई डिफरेंस नहीं है। थम्स अप देते जाना क्योंकि थोड़ा सा फटाफट चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि कल ये सारी चीजें मैं बहुत ही डिटेल में करवा चुकी हूं और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जिन्होंने कल की क्लास सुनी है, ठीक है। ना संख्या का उल्लेख है ना योग्यता का उल्लेख है, ठीक है जी, समझ गए। अब हम आते हैं सेम बात, लेकिन आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक काम करने का अनुभव होगा, ठीक है जी, हम समझ गए। क्यों? क्योंकि सेम बातें हैं संघ लोक सेवा आयोग की बात भांति, बस नियुक्ति में हमें ध्यान रखना है कि वहां पे राज्य लोक सेवा आयोग, सॉरी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहे थे? राष्ट्रपति। यहाँ पे कौन कर रहे हैं? राज्यपाल। ना तो संख्या का उल्लेख है, वहां पे भी नहीं था, ना योग्यता का उल्लेख है, वहां पे भी नहीं था। और दूसरी बात, बस एक बात का उल्लेख है कि जितने सदस्य हैं, मान लो 10 सदस्य हैं, तो आधे यानी 5 सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए जिसने कल की क्लास की थी, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ यहां, संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। वहां पे राष्ट्रपति को दिया था, यहाँ राज्यपाल को दिया है, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है जी। सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल करेंगे। अगली बात, आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो अपना पद धारण कर सकते हैं। वहां पे कितनी थी तिथि लिख के बताओ फटाफट, 6 वर्ष या 62 वर्ष है राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। बताओ संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कितनी एज और इसका क्राइटेरिया है? बहुत बढ़िया, रिवीजन करके बैठे हैं सब लोग, खुशी होती है ये देख के ना, बहुत खुशी होती है, बहुत ही बढ़िया। वहां पे 6 या 65 है, यहाँ पे 6 या 62 है, भाई इनको विकल्प देंगे ना भाई राज्य लोक सेवा आयोग के। अभी मैं बताऊंगी ये क्या क्या कर सकते हैं नियुक्ति के बाद, यूपीएससी के अध्यक्ष भी तो बनना है, सपने होते हैं, समझ रहे हो, तो ये एज फैक्टर याद रख लेना, ठीक है जी, एज भी याद हो गई। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, किसको त्याग पत्र देंगे? ये त्याग पत्र यदि इनको इनको देना है तो किसको देंगे त्याग पत्र? राज्यपाल को देंगे। क्यों? क्योंकि नियुक्ति भी किसने की है? राज्यपाल ने की है। राज्यपाल 2 परिस्थितियों में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं, सेम परिस्थितियां, फिर भी बता देती हूं। कार्यवाहक जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? मान लीजिए ये एक राज्य लोक सेवा आयोग है, अब इसमें अध्यक्ष ही नहीं है तो काम कैसे होगा? और मान लो यदि अध्यक्ष नहीं है या अध्यक्ष छुट्टी पे है, तो इनमें से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना सकते हैं। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल यदि अध्यक्ष नहीं है तो उसमें से किसी भी सदस्य में से एक को कार्यवाहक अध्यक्ष बना देते हैं। कब बनाएंगे? बता चुकी हूं तो जी, हमें पता है, या तो जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएंगे, या फिर अध्यक्ष अनुपस्थित है, किसी कारण की वजह से अध्यक्ष अपने पद पे नहीं है, 20 दिन 25 दिन गए हुए हैं, 10 दिन गए हुए हैं, तो कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया। कौन कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएंगे? तो जी राज्यपाल बनाएंगे। अभी तक हमें इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं है, वहां राष्ट्रपति कर रहे थे, यहां राज्यपाल कर रहे हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष कब तक अपना कार्य करेंगे? तो अंडरस्टूड सी बात है, कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक अपना काम करेंगे जब तक कि असली अध्यक्ष नहीं आ जाता, मतलब जो अध्यक्ष है या तो वो छुट्टी से लौट के नहीं आ जाता या फिर उसकी नियुक्ति नहीं हो जाती। अब मुझे बता दो इन दो स्लाइड्स में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं दिक्कत है तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलती हूँ,
वीडियो को लाइक करते रहो यार, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है अभी तक, बहुत बढ़िया। नो डाउट, नो कंफ्यूजन, ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। अब आते हैं यहां पे, यहां से क्वेश्चन बनता है बार बार, बड़ा बड़ा पीटी लिख लेना यहां पे, बार बार यहीं से क्वेश्चन बनता है। सदस्यों को हटाया जाना या निष्कासन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा भाई, नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन इन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। पीटी लिख लेना, समझ गए? ये नहीं वहां पे लॉजिक लगाना है कि भाई नियुक्ति, जैसे मैंने कल बताया था कि भाई नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो राष्ट्रपति ही हटा रहे हैं, यहां पे कंडीशन अलग है। संविधान में साफ साफ लिखा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति तो करेंगे राज्यपाल, त्याग पत्र भी ये राज्यपाल को ही देंगे, लेकिन इनको पद से हटाने की जहां तक बात आएगी तो इनको पद से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएंगे, प्रेसिडेंट हटाएंगे। यहां फिक्स कर लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। यूपीएससी जो लाइन देगी ना वो कंफ्यूज करने वाली होगी। वो पता है कैसे लाइन देगी? जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा, सॉरी, और फंसाएगी। क्वेश्चन का आंसर बताना फटाफट। जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा पद से उनको हटाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, उसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को की नियुक्ति तथा पद से हटाने का काम राज्यपाल करते हैं। समझ गए कैसे फंसोगे आप? तो वहां पे दिमाग ब्लैंक हो जाता है, पहले ही बता रही हूं। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा ना। बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब है ध्यान से सुनी जा रही है बातें, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रपति उन्हें उन्हीं आधार पर हटा सकता है जिन आधार पर यूपीएससी, आगे आपको कुछ नहीं है, आगे सेम बातें हैं, जिन आधारों पर यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जा रहा था उन्हीं आधारों पे राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, और जिन आधारों पे हटाएंगे वो लिखे हुए हैं साफ साफ और सेम आधार हैं। जैसे अगर दिवालिया घोषित कर दिया जाए, ठीक है जी, हटा देंगे। अगर वो अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी संवैतनिक तौर पे नियोजन में लगा हो, संवैतनिक का मतलब क्या होता है? वेतन सहित, मतलब वो और ऐसा काम कर रहे हो जिसके बदले में उनको वेतन मिल रहा हो, ठीक है जी, हटा देंगे। दो आधार याद हो गए। तीसरा आधार, अगर राष्ट्रपति जी यह समझते हैं कि वो मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण या मानसिक या शारीरिक क्षमता के अभाव के कारण रहने के योग्य नहीं है। तीनों आधार सेम टू सेम है, दिवालिया, पद के बाहर सवेतन या वेतन सहित कर्तव्यों का निर्वहन करे, या मानसिक या शारीरिक तौर पे अक्षम, ठीक है, बहुत बढ़िया। केवल प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं, हाँ नेहा, एकदम हाँ। ये एक पॉइंट अलग है, मैं रिवाइज कराऊंगी ना, फिर आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी डिफरेंस करके क्या क्या चीजें याद रखनी है, बस उतना याद रख लोगे काम हो जाएगा। आगे अगली बात सेम है, यहां पे एक डिफरेंस आएगा। राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकते हैं, कदाचार के कारण कल भी हटा सकते, मतलब यूपीएससी में भी हटा सकते हैं, परंतु ऐसे मामले में राष्ट्रपति से उच्चतम न्यायालय को ही संदर्भित करेंगे। यहां पे हम कहां कंफ्यूज हो सकते हैं? जैसे सुनना ध्यान से, कि यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों को कदाचार पे हटाने के दौरान उच्चतम न्यायालय जांच करता है, तथा राज्य लोक सेवा आयोग को पद से हटाने के दौरान उच्चतम न्यायालय के साथ उच्च न्यायालय भी जांच कर सकता है। आपको पता है क्या लगेगा? भाई राज्य लोक सेवा आयोग का मामला है, उच्च न्यायालय भी तो कर ही सकता है, समझ रहे हो ना? लेकिन आपको लॉजिक क्या याद रखना है,
भाई कौन हटा रहे हैं पद से, लॉजिकली याद रखो कौन हटा रहे हैं पद से, बताओ राज्यपाल हटा रहे हैं कि राष्ट्रपति हटा रहे हैं? राष्ट्रपति हटा रहे हैं, तो भाई राष्ट्रपति हाई कोर्ट से क्यों जांच करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से करवाएंगे ना भाई, समझ रहे हो? प्रेसिडेंट हटा रहे हैं तो किससे जांच करवाएंगे, सुप्रीम? यहां कंफ्यूज हो सकते हो दोस्त, अभी समझ में नहीं आएगा, एग्जाम के प्रेशर में जब बैठे हुए होते हैं ना तो बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी चीजों को ध्यान से कर लिया तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ठीक है? तो तीन आधार ये थे जिन पे हटा देंगे, लेकिन ये जो चौथा आधार होता है ना, कदाचार के आधार पे भी राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकते हैं, लेकिन अपने आप नहीं हटा सकते, राष्ट्रपति ये नहीं कह सकते लगाओ कदाचार और हटाओ ना, उसके लिए राष्ट्रपति जी को उच्चतम न्यायालय से जांच करानी पड़ेगी। अब ये उच्चतम न्यायालय जांच के बाद उन्हें बर्खास्त करने या दी गई सलाह का समर्थन करता है। यदि सामने वाला व्यक्ति अध्यक्ष है या सदस्य है, वो दोषी पाया जाता है, तो ठीक है जी, आपकी सलाह का हम समर्थन करते हैं, बिल्कुल दोषी है। नहीं पाया जाता है तो भी अपनी सलाह देंगे। ध्यान रखना, यदि समर्थन करते हैं कि दोषी है कदाचार का, तो कल वाली बात लागू होती है, तो राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकता है। अगली लाइन, संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए क्या होगी? बाध्यकारी होगी। बहुत बढ़िया टीएच, राष्ट्रपति के लिए सलाह क्या होगी? बाध्यकारी होगी। राष्ट्रपति फिर मना नहीं कर सकते कि नहीं यार अब नहीं हटाएंगे, छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कमाल है महामहिम जी, हमने जांच की है, हमने पाया है सामने वाले व्यक्ति को कदाचार का दोषी, तो सिंपल सी बात है ना भाई, हटाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की है, बाध्यकारी होती है सलाह। यहां पे भी बाध्यकारी होती है, और यूपीएससी में जो हमने कल पढ़ा था वहां पे भी ये सलाह बाध्यकारी होती है। न्यायालय द्वारा की जा रही जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबित कर सकता है। ये भी मैंने कल बताया था कि भाई जांच को प्रभावित ना करे, और ये ऐसा यूजुअली होता है, मान लो यदि किसी अधिकारी पे जांच भी चल रही हो तो उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, जब तक जांच नहीं हो जाती पूरी, भाई आप अपना घर बैठे, ठीक है? अब मुझे ये बता दो, यहां तक इन चार स्लाइड्स में किसी भी बच्चे को इतना सा भी डाउट है? डाउट नहीं रखना है मन में, मेंबर्स ऑल्सो नीड टू बी एडुकेटेड ओनली। हाँ ठीक है, मैं प्रेसिडेंट क्यों हटाएंगे, गवर्नर क्यों नहीं हटाएंगे मैम, जब गवर्नर शपथ दिलवा रहे हैं तो फिर प्रेसिडेंट क्यों? ध्यान रख लेना, यही तो मतलब दिवालिया का मतलब क्या होता है? दिवालिया का मतलब होता है यार, बोलते ना दिवालिया हो गया, मतलब कर्जा चढ़ गया, वो बैंक का लोन लिया है देने में सक्षम नहीं है, ये होता है दिवालिया का मतलब, कि लोन लिया है लेकिन देने में सक्षम नहीं है, या लोगों का पैसा लेके बैठा है भाग गया है, मतलब भागने की कंडीशन में है, समझ रहे हो? तो वो होता है दिवालिया। जैसे कौन थे वो, अरे किंग फिशर वाले, वो दिवालिया हो गए थे। नहीं नहीं पागल नहीं होता, पागल तो फिर वो मानसिक वाला अलग लिखा है, समझ रहे हो? मानसिक तौर पे असक्षम हो जाए व्यक्ति को, सूद बूद ही नहीं है कुछ करने की, तो वो पागल की श्रेणी में आएगा। अरे यार बड़ा फेमस विजय माल्या, विजय माल्या क्या हो गए थे, अहिरनी खुद ही बता रही है, तो वो दिवालिया हो गए थे, पैसा तो ले लिया देने के लिए था नहीं, समझ गए? संपत्ति से, बिल्कुल संपत्ति से ज्यादा कर्ज हो जाए तो वो दिवालिया हो जाएगा, ठीक है? हाँ यार प्रेसिडेंट क्यों हटाएंगे, देखो क्या होता है ना, इसका एक रीजन ये समझ सकते हो, मान लो राज्यपाल, क्या रीजन बताएं इसका, बस याद कर लो ना प्रेसिडेंट हटाएंगे, बाकी रीजन इसका मैं बहुत बढ़िया सा रीजन खोज के कल बता दूंगी, ठीक है? अब हम आते हैं, यहां तक दिक्कत नहीं है, अब हम आते हैं कदाचार। कल भी इस कदाचार को परिभाषित किया गया था, कदाचार शब्द को परिभाषित करता है संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य कदाचार का दोषी। अब कदाचार के दो आधार कल बताए थे, पहली बात, भारत सरकार या राज्य सरकार किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक हो, मतलब वो किसी अन्य करार से संबंधित हो, दूसरा वो किसी कंपनी का सदस्य बन जाए और लाभ लेता हो उस कंपनी से, तो भ्रष्टाचार की संभावना बनती रहती है ना, तो ध्यान रख लेना, यदि वो कहीं करार कर ले
लाभ का लाभ ले वहां से, या फिर किसी कंपनी का सदस्य बन जाए। ये करार के, ये कदाचार के दो क्राइटेरिया होते हैं, सेम टू सेम यूपीएससी वाले क्राइटेरियाज हैं। बिल्कुल एकदम सही समझे। टीएच कोर्ट का निर्णय बाद आपस में ही समझा देते हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है। नहीं, एक दूसरे का से देखो, फालतू के कमेंट्स पे जवाब देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यदि किसी स्टूडेंट का डाउट है और आपको लग रहा है कि आपको पता है और मैं वो क्वेश्चन नहीं देख पा रही हूँ, आप लोग यदि खुद से सॉर्ट कर देते हो तो फिर अच्छी बात है। इसमें कोई, इसमें एक दूसरे का सकारात्मक सहयोग करना ही जिंदगी है यार, ठीक है। चलो अब आते हैं स्वतंत्रता। संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के निष्पक्ष व स्वतंत्र काम करने के लिए कुछ उपबंध है, सेम टू सेम उपबंध है कि भाई संविधान कुछ तो प्रोविजन करेगा ना, ताकि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं या जो सदस्य हैं वो स्वतंत्रता से अपना काम कर सके। ऐसे ही दिया भी है, जैसे कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पे ही हटा सकते हैं, अतः उन्हें अपनी पदावधि तक काम करने की सुरक्षा है। मैंने कल एग्जाम्पल दिया था ना कि ये नहीं है कि चलो आज कुछ तूफानी की जाए और आज हटाया जाए पद से, ना जी ना, आप नहीं हटा सकते। और यही है पदावधि की स्वतंत्रता, उनको अपने कार्यकाल की स्वतंत्रता है। क्यों? क्योंकि आपको उनको हटाने का अधिकार तो है महामहिम जी, लेकिन आप संविधान में वर्णित आधारों के आधार पे ही उनको हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। पहला कथन बिल्कुल सही। दूसरा, अध्यक्ष या सदस्य की सेवा शर्तें राज्यपाल तय करता है, अतः नियुक्ति के बाद लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सेम था, वहां पे सेवा शर्तें कौन तय कर रहे थे? राष्ट्रपति। यहां सेवा शर्तें कौन तय करते हैं? राज्यपाल। एक बार सेवा शर्तें तय कर दी राज्यपाल जी ने, उसके बाद उनमें अलाभकारी यानी कमतर परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये भी स्वतंत्रता है भाई, वो आराम से काम करते हैं। तीसरी स्वतंत्रता क्या होगी? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन किस पे भारित होंगे? अंडरस्टूड सी बात है भाई, राज्यों की संचित निधि पे भारित होंगे ना। वहां पे किस पे भारित थे? संघ की संचित निधि पे। यहाँ पे राज्यों की संचित निधि पे भारित होते हैं। विधानमंडल मतदान नहीं कर सकता उन पे, यानी वेतन को लेके भी वो सुनिश्चित होते हैं कि पैसा आ ही जाएगा 1 तारीख को। आराम से स्वतंत्रता से काम करो, पैसे की दिक्कत नहीं होने वाली है, समझ रहे हो? यानी पहला, संविधान में वर्णित आधारों पे ही हटाएंगे, इसलिए पदावधि की सुरक्षा है। दूसरा, सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा, वेतन भत्ते राज्यों की संचित निधि पे भारित होते हैं, विधानमंडल में मतदान के अंतर्गत नहीं आते। अगला, और एक बात और बताऊं, जैसे स्वतंत्रता से संबंधित चीजें हैं ना, ये मेंस में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, मैं आप लोगों को करवाऊंगी। जैसे आज एक लोकसभा अध्यक्ष का मैंने करवा रखा था, यही 5-6 पॉइंट ही होते हैं। जब आप सुनो, जब आप अलग अलग आयोग मेरे साथ पढ़ेंगे, उनकी स्वतंत्रताओं की बात पढ़ेंगे, लगभग सेम बातें होती हैं भाई। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, वेतन भत्ते संचित निधि पे भारित होंगे, इनको संविधान में वर्णित आधारों पे ही हटाया जाएगा अन्यथा नहीं। यही 5-6 बातें होती है स्वतंत्रता में, कि हमारे संविधान ने किसी भी आयोग को, जैसे क्वेश्चन दे दे कि भारतीय संविधान ने राज्य लोक सेवा आयोग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए क्या प्रावधान किए हैं? कौन से प्रावधान? यही प्रावधान है, अपना आराम से काम करो, आपको वेतन मिल ही जाएगा, आपको पदावधि की सुरक्षा है ही, आप में अलाभकारी परिवर्तन होंगे ही नहीं, ठीक है। ये मैं एक साथ कंक्लूड करके आपको बताऊंगी, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। यहां तक दिक्कत तो नहीं है ना किसी भी बच्चे को? बता दो, कंपैरिजन जरूर करना, कल वाले टॉपिक से कंपैरिजन जरूर करनी है, ठीक है। अब हम आते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
कार्यकाल के बाद कहां जा सकते हैं, तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए? भाई साहब, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे ना, वो तो कहीं नहीं जा सकते थे, समझ रहे हो? वो ना तो भारत सरकार या राज्य सरकार कहीं पे कोई नौकरी नहीं कर सकते थे। 65 साल उम्र हो गई थी भाई, 65 साल 6 या 65 थी ना उनकी, अपना आराम से बैठेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग में क्या एक्स्ट्रा प्रोविजन है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य, दो बातें, तथा ये बातें तो याद रहेंगी आपको कि भाई जो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, अध्यक्ष, वो कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। दूसरी बात याद रखनी है, इतना तो याद रहेगा सबको, तथा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने का पात्र होगा। मान लो हरियाणा लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वो अपने कार्यकाल के बाद या तो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, या यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं, या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। यूपी के बन गए, एमपी के बन गए, केवल अध्यक्ष बन सकते हैं, सदस्य नहीं। अध्यक्ष है तो अपने से, इसको इस तरीके से याद रखना भाई, अध्यक्ष है तो अपने से ऊपर वाले पद पे ही जाएगा या समान पद पे जाएगा, या तो किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनेगा या यूपीएससी का अध्यक्ष बनेगा, और यूपीएससी का सदस्य भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से तो ऊपर ही माना जाएगा ना पदानुक्रम में। इतनी बात समझते हैं? दोनों चीजें याद रखनी है, लेकिन बाकी तो हमें पता ही है। इसके अलावा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नौकरी का पात्र नहीं होगा, बस यही तीन विकल्प है उनके पास। फायदा फिर राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने में, ठीक है यार। रमित, थैंक यू सो मच, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। क्या बोल रहे हो मैम? राज्य लोक सेवा आयोग कोई एडवाइस देगा राज्यपाल या प्रेसिडेंट को, तो उसके लिए सलाहकारी होती है दोस्त, बाध्यकारी कभी नहीं होती। ये कंसेप्ट दिमाग में क्लियर रखो, संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, कोई भी जो सलाह देंगे ना, ये कभी भी बाध्यकारी नहीं होती, ये हमेशा सलाहकारी होती है। मैं आऊंगी उन पॉइंट्स पे भी, ठीक है। और मैम, यदि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यकाल के दौरान उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाए तो भी? 65 वर्ष क्यों हो जाएगी भाई? अनु बाबा, कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। अंतिम तौर पे वो 65 वर्ष, 62 वर्ष तक ही रह सकते हैं। 62 वर्ष में उनको रिटायर होना पड़ेगा, समझ गए? अभी तो बताया था एज 6 या 62, उनके पास 3 वर्ष होते हैं इधर उधर करने के, 3 वर्ष वो जा सकते हैं, समझ गए अनु बाबा? 65 हो ही नहीं सकती, क्योंकि 62 में उनको अनिवार्य तौर पे रिटायर होना पड़ेगा, टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, समझ गए? वेरी गुड। अब हम आते हैं, समझ गए तीनों बातें? अब ठीक है जी, अध्यक्ष ने तो अपना कर लिया, आगे का खाखा पूरा, अध्यक्ष कहां कहां जाएंगे, समझ गए जी, ठीक है। अब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष क्या क्या कर सकते हैं कार्यकाल के बाद? इनके पास भी विकल्प होना चाहिए। 62 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिया, 3 साल क्या करेंगे घर पे बैठ के? अब देखो, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो अपने कार्यकाल के बाद क्या कर सकते हैं? इनके पास एक ऑप्शन अतिरिक्त हो जाता है, जैसे एक तो संघ लोक सेवा यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, ठीक है जी, बन गए, सदस्य बन सकते हैं जी, है ठीक है जी, यूपीएससी के सदस्य भी बन गए। उस राज्य लोक सेवा आयोग, मान लो यूपी का, यूपी लोक सेवा आयोग का, यूपी पीसीएस का जो सदस्य है वो कार्यकाल खत्म हो गया, समझ रहे हो? तो इसके पास एक विकल्प अतिरिक्त हो जाता है, भाई उसका सदस्य है तो उसी आयोग के अध्यक्ष पद पे भी इसकी नजर होगी ना, समझ रहे हो? तो ध्यान रख लेना, अध्यक्ष के पास 3 ही ऑप्शन होते हैं, इसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, उसी राज्य लोक सेवा आयोग जिसमें ये सदस्य है उसका अध्यक्ष बन सकता है, और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। नियुक्त होने का पात्र होगा, परंतु भारत सरकार या किसी
नियुक्ति में नियोजन का पात्र नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक बार आपको बता दूं, मुझे ये बताओ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना याद रखना है कि भाई अपने से ऊपर वाले पद पे जा सकता है। पूरा समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये था राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और ये है सदस्य, तो ये कहाँ कहाँ जा सकता है, यूपीएससी अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है जी बिल्कुल बन सकता है, यूपीएससी सदस्य बन सकता है, ठीक है जी बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अध्यक्ष से बड़ा तो यूपीएससी का सदस्य होता ही है पदानुक्रम में। अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है जी समझ गए। अब ये सदस्य के पास क्या चार ऑप्शन होते हैं, एक तो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है जी बहुत बढ़िया, इससे तो बढ़िया बात हो ही नहीं सकती, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, बहुत बढ़िया। उसी राज्य लोक सेवा आयोग, उसी राज्य लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है, सदस्य तो ऑलरेडी है ही भाई, सदस्य तो ऑलरेडी है ही, अध्यक्ष बन सकता है, और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य नहीं बनेगा, सदस्य तो अपने राज्य लोक सेवा आयोग में है ही, वो क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। मुझे थम्स अप दे दो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां अगर आप यहां तक समझ गए हैं, पूरा समझ गए हैं, मुन्ना भैया बहुत ही बढ़िया, मुन्ना भैया हमारे यहाँ पे मुन्ना भैया पढ़ने वाले हैं, संजय दत्त वाले मुन्ना भैया नहीं है। गैर लाभकारी परिवर्तन का मतलब क्या होता है यार, कि आपके वेतन में कमी नहीं की जाएगी, आपकी शक्तियों में कमी नहीं की जाएगी, एक बार आपकी नियुक्ति हो गई तो जो आपकी शक्तियां हैं वो वही रहेंगी, फिर आप निश्चिंत होकर काम करो, आपकी शक्तियों में गैर लाभकारी मतलब कम लाभ नहीं किया जाएगा, आपके वेतन में कम लाभ नहीं किया जाएगा, आपातकाल की बात अलग होती है, ठीक है। अलाभकारी परिवर्तन, अनिल अब समझ गए अलाभकारी परिवर्तन, कोई बात नहीं रंजेश, कोई बात नहीं, ओके ठीक है समझ गए। अब अगला हमें ये देखना था, क्या देखना था, ये आ गया, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता दूसरे कार्यकाल के लिए। इसका क्या मतलब है, मान लो यहाँ खाली पेज, यार मैं भूल जाती हूँ डेली स्लाइड में, यहाँ पे मैं बताती हूँ क्या बोल रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष प्लस अध्यक्ष प्लस जो सदस्य हैं वो पुनः नियुक्त नहीं होंगे, किस पे पुनः नियुक्त, सेम यूपीएससी वाला नहीं होंगे, किस पे, उसी पद पे। मान लो अध्यक्ष रिटायर होके कहे यार एक बार और बना दो अध्यक्ष, अभी तो मेरी 62 वर्ष भी नहीं हुई उम्र, तो नहीं भाई साहब आपको दोबारा अध्यक्ष यहाँ तो नहीं बनाया जा सकता, आपके पास तीन अन्य ऑप्शन है, यूपीएससी का अध्यक्ष, यूपीएससी का सदस्य, अन्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, या सदस्य कहे यार 62 वर्ष नहीं हुई कुछ रहम खा लो सदस्य ही बना दो, तो सदस्य नहीं बनाया जाएगा, हाँ उस राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष का विकल्प इनके पास होता है। इतना फंडा क्लियर हुआ कि नियुक्ति के बाद ये पुनः सॉरी कार्यकाल के बाद ये जितने अध्यक्ष और जितने भी सदस्य होते हैं वो पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते दूसरे कार्यकाल के लिए। सेम यहाँ पे कौन सा फंडा लागू होता है, सेम यहाँ पे यूपीएससी वाली बात लागू हो जाती है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं इनके कार्य, अब हम आएंगे क्या क्या कार्य होते हैं, कार्यों में तो दिमाग ही नहीं लगाना, सेम यूपीएससी वाले कार्य होते हैं, वो संघ के स्तर पे करते हैं, ये राज्य के स्तर पे करते हैं, सिंपल सा डिफरेंस है, ठीक है। पहला, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सेवाओं के लिए वही काम करते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय सेवाओं के लिए करते हैं। भाई राज्य लोक सेवा आयोग किसके लिए करेंगे, राज्य सेवाओं के लिए, ठीक है। बाकी सेम है, जैसे सिविल सेवाओं पर और सिविल पदों पर भर्ती के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पे काम करेंगे, भर्ती की पद्धतियां कैसी होनी चाहिए, परीक्षा कब होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, ये सब काम कौन देखेगा, राज्यों में, जैसे यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस आयोग जो है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, वो क्या करता है, राज्य में जितनी भी भर्तियां होती हैं उनकी पद्धतियों से संबंधित विषयों पे काम करते हैं, ठीक है जी। दूसरा, सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में सेवा प्रोन्नति व एक सेवा से दूसरे सेवे में तबादले के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत गढ़ते हैं,
कुछ सिद्धांत को भी निर्मित कर देते हैं कि भाई पदोन्नति के क्या सिद्धांत होने चाहिए, ट्रांसफर के क्या सिद्धांत होने चाहिए, जैसे यूपीएससी करता था। तीसरा, सिविल सेवाओं और पदों पर स्थानांतरण करने में प्रोन्नत या एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता से संबंधित विभाग प्रोन्नति की अनुशंसा करता है, राज्य लोक सेवा अनुमोदित करने का आग्रह करता है। इसका मतलब मैंने कल क्या बताया था, सुनो ध्यान से, यदि किसी व्यक्ति को पदोन्नति देनी है, जैसे मान लो जितने भी पदोन्नति जाते हैं, डीजीस बनते हैं या फिर डीजीपी बनते हैं, इनकी ना एक लिस्ट जाती है यूपीएससी के पास, सॉरी यूपीएससी के पास तो संघ के मामले में जाएगी, जो राज्य की सेवाएं होती है ना, जैसे डीएसपी हो गए, फिर उनको प्रमोट करना है आगे, तो इनकी एक लिस्ट किसके पास जाती है, राज्य लोक सेवा आयोग के पास। या एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण करना है तो भी राज्य लोक सेवा आयोग के पास जाएगी, और वो जो आग्रह करेंगे, मतलब उनसे एक अनुमति की अपेक्षा होती है कि आप भी ठप्पा लगा दो इस पे, सही आदमी है ये। तो जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग के पास पूरे रिकॉर्ड्स होते हैं, उसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग के पास भी पूरे रिकॉर्ड्स होते हैं अधिकारियों के, तो ये काम राज्य लोक सेवा आयोग करता है, ठीक है, सेम कल यूपीएससी वाला है। फिर राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य भी दिए जा सकते हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग अतिरिक्त काम दे सकता था, अभी बताऊंगी कौन कौन से अतिरिक्त काम। इतना समझ गए भर्ती पद्धतियों के विषयों पे, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, मतलब ये होता है कि एक सर्विस से दूसरी सर्विस में जाना चाहते हैं, डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं, जैसे आईएएस वगैरह, ये आईपीएस वगैरह क्या होते हैं ना, ये चाहे तो 5 साल के लिए भेज दो जी, सीबीआई में भेज दो हमको डेपुटेशन के लिए, 5 साल सीबीआई में रहेंगे, 5 साल आईबी में रहेंगे, तो ये सारे काम से पहले लिस्ट यूपीएससी में जाती है, ऐसे ही राज्यों के संदर्भ में ये लिस्ट राज्य लोक सेवा आयोग के पास जाती है। इतना ध्यान नहीं रखना है, बस इतना आपसे कभी पूछेगा भी नहीं पीटी में, ठीक है। और क्या क्या काम दे सकता है, कौन, राज्यपाल की राज्य विधानमंडल, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, अतिरिक्त कार्य कोई भी देगा तो राज्य विधानमंडल देगा, इस सिचुएशन में राज्य विधानमंडल राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त काम भी दे सकता है। अब राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निजी प्राधिकरण, कॉरपोरेट निकाय, सार्वजनिक संस्था की कार्मिक पद्धति बोल सकता है कि इनके काम भी कर दो जी आप, कौन कौन से काम दे सकता है राज्य लोक सेवा आयोग के जो अधिकार क्षेत्र में आने वाले निजी प्राधिकरण हैं, कॉरपोरेट निकाय हैं, इनकी कार्मिक पद्धति भी राज्य लोक सेवा आयोग ही देखता है यूजुअली। राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम के बाद के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है, बताया था अभी, कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है जी। कौन करेगा, तो राज्यपाल करेंगे कि राज्य विधानमंडल करेगा, तो भाई राज्य विधानमंडल करेगा। आदेश द्वारा करेगा कि अधिनियम बना के करेगा, तो जी अधिनियम बना के करेगा। अब अगली लाइन, राज्य लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्य की रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को देगा। सारे काम राज्यपाल करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, बस हटाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। और फिर राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। सरकार यदि राज्य लोक सेवा आयोग की सिफारिशों को नहीं मानती है तो क्या सरकार को कारण बताना होगा कि भाई हम इस वजह से नहीं मान रहे, मुझे ये बताओ। यहाँ तक मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि फिर हम, मुझे ना एक चीज और बतानी है, संयुक्त लोक सेवा आयोग, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, और लास्ट में ना रिवाइज कराऊंगी, ऐसा रिवाइज करा दूंगी जो पढ़ा है वो बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड। अब हम आते हैं सीमाएं क्या हैं, तो सीमाएं सेम उनकी सीमाएं हैं जी। तो क्या क्या सीमाएं हैं जी, हमें पता है निम्नलिखित विषयों पे राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा गया है,
यानी इन विषयों पे राज्य लोक सेवा आयोग से कोई संपर्क नहीं किया जाता। हमें पता है कौन सी बातें भाई, पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों या पदों पर कितना आरक्षण दे, क्या करें, आरक्षण से भाई भाई साहब हमारा कोई मतलब नहीं है, सरकार जी आप खुद दे। राज्य लोक आयोग राज्य लोक सेवा आयोग से पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मुद्दे पे, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के मुद्दे पे कोई परामर्श नहीं किया जाता। सेम संघ लोक सेवा आयोग में भी नहीं किया जाता, कुछ अलग है ही नहीं। और आज आप लोगों का क्या होमवर्क होगा ना, दोनों को आप एक बार ना आधा घंटा लगेगा फटाफट रीडिंग देना, कंपैरेटिव स्टडी करोगे अपने आप तो आप लोगों की चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा, सेवा व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान में रखने के मसले पे, कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति का कितना दावा होना चाहिए कितनी सीटों पे, ये हमारा मामला नहीं है। हमने आपको भर्ती करके दे दिया, बात खत्म। हमारा मतलब है परीक्षा की पद्धतियों से, परीक्षा के पैटर्न से, परीक्षा के पूरे प्रोसेस से। आप कितना आरक्षण ओबीसी को दे रहे हो, कितनी आप नियुक्तियों पे जो है अनुसूचित जाति जनजाति का मसला है, वो हमारा मतलब नहीं है। राज्यपाल लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद सेवा या विषय को हटा सकता है, ये भी ध्यान रख लेना। ये मैं आगे बताऊंगी, इसका अगला पार्ट अगली स्लाइड में है। पहले मुझे ये बताओ, ये दोनों चीजें तो बिल्कुल क्लियर है, इनमें परामर्श नहीं लिया जाता, सीमाएं हैं, यहाँ पे कैसे फंसा देगा आपको? राज्य लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से निम्न कार्य है, मतलब निम्नलिखित कार्य है। पहला, पद्धतियों से संबंधित विषयों पे सारे कार्य देखेगा, ठीक है जी। प्रतिनियुक्ति के मामले में परामर्श देता है, ठीक है जी देता है। पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों के आरक्षण के मामले में परामर्श देता है, तो तुरंत दिमाग की घंटी बजनी चाहिए ना, आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के दावों से इसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ये काम गवर्नमेंट का होता है, बिल्कुल सही बात है। किसने लिखा है? नेहा, बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं हम, अगला काम क्या है? ये जो राज्यपाल है ना, राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद सेवा या विषय को हटा सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति हटा सकते थे। मैंने आपको बताया ना, जो IRTS और इंजीनियरिंग सर्विस को मर्ज कर दिया गया है, अब अलग से IRTS का फॉर्म वो नहीं आता, चॉइस नहीं आती, तो किसी पद सेवा या विषय को हटा सकते हैं। लेकिन क्या अकेले हटा देंगे राष्ट्रपति वहां पे और राज्यपाल यहाँ पे? तो ना, क्या करना पड़ेगा? राज्यपाल राज्य सेवाओं व पदों से संबंधित नियमन बना सकते हैं, जिसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। नियमन तो बना सकते हैं, इस तरह के नियमन को राज्यपाल को कम से कम 14 दिन तक विधानमंडल के समक्ष रखना होगा, राज्य विधानमंडल इसे संशोधित या खारिज कर सकती है। ध्यान रख लेना, यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, जरूरत है भाई। राज्यपाल जो लोक सेवाएं हैं उनके लिए नियमन बना सकते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग से, मैं राज्य विधानमंडल समझ गई यार, एक मिनट रुक जाओ, मेरा आधा दिमाग तो जो है ना, समझ गए, राज्यपाल नियमन बना सकते हैं किससे संबंधित, लोक सेवाओं से संबंधित, और इस नियमन के लिए उन्हें राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। किससे संपर्क करने की जरूरत है? इस नियमन के लिए राज्यपाल 14 दिन तक विधानमंडल के समक्ष इस बात को रखेंगे, और राज्य विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इसको स्वीकृत कर रहे हैं या खारिज कर रहे हैं, समझ गए। तो मोटे तौर पे नियमन कौन बनाएगा? राज्यपाल बनाएंगे। फाइनली मोहर किसकी लगनी चाहिए? विधानमंडल की लगनी चाहिए। इतना डिटेल पूछेगा नहीं, बस समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया कि कभी इन कंडीशन आपके दिमाग में चीज रहे, ठीक है। अब हम आएंगे भूमिका पे, बिल्कुल 14 राज्य विधानमंडल विमर्श के बाद, जैसे सेम वहां पे हुआ था ना संसद में, सॉरी UPSC में, राष्ट्रपति नियमन बना सकते थे, 14 दिन पहले संसद में रखेंगे, संसद उन नियमन को खारिज भी कर सकती है, पारित भी कर सकती है, ठीक है। अब भूमिका, संविधान राज्य लोक सेवा आयोग को सदस्य में मेरिट पद्धति के प्रहरी के रूप में देखता है। भाई मेरिट से हो, जिस तरीके से हमने कहा देखा था यूपीएससी में मेरिट पद्धति को सुनिश्चित करना यूपीएससी का काम होता है, सेम यही काम होता है राज्य लोक सेवा आयोगों का, लेकिन यूपीएससी थोड़ा बेहतर तरीके से काम करता है,
समझ रहे हो ना, मैं यहाँ पे ज्यादा बोल नहीं सकती, आप लोग खुद समझदार हो। राज्य लोक सेवा आयोग के लिए भर्ती करना या प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषय सरकार को सलाह देते हैं। भाई भर्ती करना पदोन्नति के मामले में, अनुशासनात्मक विषयों के मामले में, मान लो किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी पे कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी हो तो ये सरकार इससे सलाह मांगता है, तो ये सलाह भी देता है। ठीक है, आपको पता ही है, मैंने बताया था ना केंद्रीय सतर्कता वाला वहां और यहाँ पे, ये सलाह देगा अनुशासनात्मक विषयों पे। सेवाओं का वर्गीकरण, भुगतान, सेवाओं की स्थिति, कैंडिडेट जो कैडर जो कैंडिडेट प्रबंधन है या प्रशिक्षण आदि से इसका कोई सरोकार नहीं है। सेम ये क्या कहाँ भेजोगे आप किसी भी व्यक्ति को, आप जो है प्रशिक्षण कहाँ दिलाओगे, कैसे दिलाओगे, प्रशिक्षण की प्रक्रिया क्या होगी, इसका प्रशिक्षण से कोई मतलब नहीं होता। इसको राज्यों का कार्मिक या सामान्य विभाग देखता है। इसने भर्ती करके आपको व्यक्ति दे दिए, आप उनकी ट्रेनिंग कराओ, आप उनको इधर उधर लगाओ, ये इसका काम नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग मात्र केंद्रीय भर्ती नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग मात्र राज्य भर्ती अधिकरण है, राज्य भर्ती अधिकरण है, जबकि कार्मिक विभाग या सामान्य ये राज्य का केंद्रीय कार्मिक अधिकरण है। सेम बात हम कल पढ़ चुके हैं। अच्छा ये बताओ, ये ना मैंने थोड़ा सा स्पीड से इसलिए भी पढ़ा दिया, जो बच्चे कल आए थे उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है, सेम है बिल्कुल सोनिका, इसलिए मैं बोल रही हूँ मैम, सेम बोल रही है मैम, सेम है, प्रेसिडेंट की तरह राज्यपाल और संसद की जगह विधानमंडल, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो भूमिका हमने देख ली, अब उसके बाद हमें ये देखना है कि भाई जो राज्य लोक से, जैसे कौन पूछ रहे थे, संगम पूछ रहे थे शायद कि मैम राज्य लोक सेवा आयोग की जो बात है वो बाध्यकारी होती है कि सलाहकारी होती है, तो ध्यान रख लेना दोस्त, केवल सीमित भूमिका होती है इनकी, उसके द्वारा जो भी सुझाव दिए जाएंगे वो कैसे होते हैं, सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, वो सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं। ठीक है, यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह सुझावों को माने या ना माने, राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। बस सरकार की एकमात्र जवाबदेही होती है कि विधानमंडल को आयोग के सुझावों के विचलन का कारण बताना पड़ेगा कि हमने आपकी बातें क्यों नहीं मानी, जी हमारे पास वित्त नहीं था, हमारे पास ये कर्मचारी नहीं थे, इसलिए हमने आपकी बात नहीं मानी। आपकी बात मानना नहीं मानना सरकार या विधानमंडल के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, सलाहकारी होगा, लेकिन बात नहीं मानने के कारण बताना उनकी जवाबदेही है। सेम बात, सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिससे राज्य लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सके, ये हम कर ही सकते हैं भाई, सरकार तो बना ही सकती है ना, सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सके, कोई जरूरी नहीं है इसमें। अब ये राज्य लोक सेवा, हाँ संयुक्त पे आने वाले हैं, बस ये स्लाइड और देख दो, फिर एक बार रिवाइज कराऊंगी, फिर हम आएंगे संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग पे, पहले इतना रिवाइज कराऊंगी आप लोगों को मैं। अब 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग बना था केंद्र में, ऐसे ही राज्यों में भी राज्य सतर्कता आयोग बने हैं, राज्य सतर्कता आयोग बने हैं, और जो अनुशासनात्मक विषय होते हैं, जैसे मान लो कोई राज्य लोक सेवा आयोग का अधिकारी है, कोई SDM है, कोई DSP है, कोई रिवेन्यू ऑफिसर है, उस पे अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी है, तो सरकार क्या करेगी ना, नौकरशाह पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पहले दोनों से संपर्क करती है, राज्य सतर्कता आयोग से भी और राज्य लोक सेवा आयोग से भी। यदि दोनों ने समान बात कही तो ठीक है जी, समस्या कब खड़ी होती है, जब दोनों के मत अलग अलग होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसलिए राज्य सतर्कता आयोग से हमेशा अधिक प्रभावित रहता है, राज्य लोक सेवा आयोग की बात ज्यादा मान्य होती है। बाकी एक लाइन और देख लो, जिला न्यायाधीश के अलावा न्यायिक सेवा में भर्ती से संबंधित नियम बनाने के मसले पर राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करता है, इस मामले में संबंधित उच्च न्यायालय से भी संपर्क किया जाता है, ये एक अलग बात है, ये मैं आप लोगों को जब न्यायालय पढ़ाऊंगी ना तो उस समय कंप्लीट करा दूंगी। भाई न्यायिक भर्ती से संबंधित जो बातें हैं ना, उस पे लोक सेवा आयोग से भी संपर्क किया जाता है। मान लो न्यायिक भर्ती का आयोजन कौन कराता है, राज्य लोक सेवा आयोग ही कराता है, जो जिले के स्तर पे होती है,
तो ये एक अलग बात आ गई। अब हम आएंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग पे पहले, बाद में, पहले हम इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तैयार हो रिवीजन के लिए फटाफट। ठीक है भाई, कहाँ थे हम? हाँ, आप लोगों के कमेंट क्या बोल रहे हो? एक मिनट, कहाँ गए संगम? मैम ये रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में जाएगा या सिर्फ विधानसभा? नहीं, जहां पे दोनों सदन होते हैं ना, ध्यान रख लेना, वहां पे फिर दूसरे सदन का भी इम्पोर्टेंस होता है दोस्त। वहां पे दोनों सदनों में ही जाएगा, वहां पे दोनों सद क्या हो गया यार इस चेयर को, वहां पे दोनों सदनों में ही जाएगा। ठीक है, अब फटाफट रिवीजन करते हैं। अपना दिमाग खुला रखना और थम्स अप देते जाना, डाउट हो तो पूछते जाना, डाउट नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा भाग 14 315 से 323 में इनका जिक्र है, ठीक है जी। गठन संरचना देखी, एक अध्यक्ष होगा, कुछ सदस्य होंगे, ठीक है जी। सदस्यों की संख्या संविधान में नहीं दी गई है, बढ़िया। राज्यपाल डिसाइड करेंगे कितने सदस्य होंगे, उनके विवेक पर निर्भर होता है, ठीक है। उनकी योग्यताएं संविधान में नहीं दी गई है, कितनी योग्यताएं होंगी, केवल ये लिखा गया है कि भाई आधे सदस्य को कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन काम में, बहुत बढ़िया। अब राज्यपाल अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित कर सकते हैं, करेंगे, सेवा शर्तें निर्धारित करेंगे। दूसरी बात, कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है इनका, उनका 6 या 65 वर्ष होता है। त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे, कोई डाउट नहीं। कार्यवाहक जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति की राज्यपाल, तो राज्यपाल करेंगे, राज्यों का मसला है कब करेंगे, या तो अध्यक्ष नहीं है या अनुपस्थित है, और वो कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक काम करेगा जब तक नया अध्यक्ष नहीं आ जाता या छुट्टी पे से पहले वाला अध्यक्ष नहीं आ जाता। हटाया जाना, यहां पे डिफरेंस था कौन हटाएंगे, तो ध्यान रखना नियुक्ति राज्यपाल करेंगे लेकिन पद से हटाएंगे राष्ट्रपति, और आधार संविधान में लिखे हुए हैं, तो कौन से आधार हैं जी, दिवालिया हो जाए। अपने पद के कर्तव्यों से इतर सवेतनिक तौर पे काम करे, मानसिक या शारीरिक तौर पे अक्षम हो जाए। चौथा आधार है कदाचार के आधार पे भी हटा सकते हैं, लेकिन कदाचार पे हटाने से पहले सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह होगी वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, मतलब हटाना पड़ेगा अगर वो कदाचार का दोषी है तो। और इस ड्यूरेशन में राज्यपाल निलंबित भी कर सकते हैं। कदाचार शब्द को परिभाषित किया गया है या तो किसी करार से संबंधित है या किसी कंपनी वगैरह में लाभ के पद से संबंधित है। स्वतंत्रता में हमने देखा पदावधि की स्वतंत्रता है, संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटाया जा सकता है अन्यथा नहीं। अध्यक्ष या सदस्य की सेवा शर्तें राज्यपाल तय करते हैं, अतः नियुक्ति के बाद उनमें लाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को वेतन भत्ता संचित निधि से मिलता है, इतनी बात क्लियर है जी, स्वतंत्रता है। अब अगली बात मैंने बताई, राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं। यूपीएससी का अध्यक्ष बनेगा, यूपीएससी का सदस्य बनेगा, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनेगा, ठीक है जी, 3 विकल्प है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के पास क्या विकल्प है? यूपीएससी का अध्यक्ष बनेगा, यूपीएससी का सदस्य बनेगा, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनेगा और उसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, 4 विकल्प है, ठीक है जी। अब एक बार इनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाए तो इनकी पुनर्नियुक्ति का प्रोविजन है क्या? तो पुनर्नियुक्ति इनकी नहीं हो सकती है। कहां पे कंफ्यूजन हो गया? एक मिनट रुको, कहां, एक मिनट रुको, कहां पे कंफ्यूजन हो गया आपको? यहां ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वेरी गुड मनु, ये वाला पॉइंट है ना, मैंने इसलिए यहाँ पे पीटी नहीं लिखवाया था, इस वाले पॉइंट को मैं कल एक बार क्लियर करूंगी क्योंकि लक्ष्मीकांत में 2-3 चीजें गलत है, 2-3 चीजें तो मैं सुधार के लाई हूं यहाँ पे, लेकिन ये मैं लाइन में, क्योंकि मेरा डाउट भी जा रहा था कि भाई जब हटा रहे हैं राष्ट्रपति
तो सस्पेंशन का अधिकार किसको है? तो ये ना मैं आप लोगों का डाउट मनु कल कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है? आप लोगों के बोलने से पहले ही मैं कंप्लीट इसे कवर करने वाली थी, ठीक है? स्वतंत्रता में हमने देख लिया, कार्य में हमने देख लिया, पद्धतियां हैं, स्थानांतरण, प्रोन्नति, तबादला, ये सारे काम करते हैं। राज्य जो विधानमंडल इसको अतिरिक्त कार्य दे सकता है, ठीक है जी। क्या क्या काम दे सकते हैं वो आप लोगों ने देख लिया, इसका विस्तार हो सकता है। ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? तो राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और काम हो जाएगा। समझ रहे हो? कारण बताना पड़ेगा अगर सलाह नहीं मानते हैं तो। सीमाएं देख ली, पिछड़ी जाति के आरक्षण का मसला है, अनुसूचित जाति जनजाति की सेवाओं पे नियुक्ति का मसला है, तो फिर इनको कोई अधिकार नहीं है वहां पे। फिर राज्यपाल एक सेवा से दूसरी सेवा के विषय को, दोनों को मर्ज कर सकता है, पद या सेवा को हटा सकता है, ये राज्यपाल की पावर है। राज्यपाल नियमन बना सकता है इन संबंधों में, और राज्यपाल 14 दिन पहले वो विधानमंडल के समक्ष रखना होगा। फाइनली विधानमंडल की मर्जी होती है। भूमिका हमने देख ली, मेरिट पद्धति पे काम करेगा, भर्ती पदोन्नति अनुशासनात्मक विषयों पे सलाह देता है, प्रशिक्षण कैडेट प्रबंधन से इसका कोई मतलब नहीं होता है, वो काम कौन देखेगा? जैसे सेंटर में डीओपीटी देखता था, वैसे ही राज्यों में कार्मिक विभाग और प्रशासनिक विभाग होते हैं, जिनका काम होता है कैडेट का, भाई किसको कहाँ भेजा जाए, ये सारी चीजें। और ये दूसरा काम होता है प्रशिक्षण का, डीएसपी को कहाँ प्रशिक्षण होगा, एसडीएम को कहाँ, ये सारा काम राज्य लोक सेवा आयोग का नहीं होता, कार्मिक विभाग या सामान्य विभाग का होता है। फिर हमने देखा कि इसकी जो सलाहें होती हैं वो सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती, बस कारण बताना होता है, बात खत्म। और 1964 में राज्य लोक ये राज्य क्या नाम है इसका, राज्य सतर्कता आयोग आया, अनुशासनात्मक विषयों पे दोनों से सलाह ली जाती है, मान्य ज्यादा मान्य किसकी होगी, राज्य लोक सेवा आयोग की, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था है। यहां से अब ये मैं आप लोगों का भी कंप्लीट कराऊंगी ही, क्योंकि यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को इतनी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी को दिक्कत है तो मुझसे पूछ ले, ठीक है? ठीक है मैम, अगर कोई पर्सन 22 में आईएएस बना और 34 में सस्पेंड हो गया तो उसी टाइम उसको यूपीएससी का मेंबर बना दिया जाए। भाई कहां से लाते हो ऐसे क्वेश्चन, सस्पेंड हुआ है वो कैसे मेंबर बना देंगे? कुछ तो एक तरीके से, या तो वो खुद से त्याग पत्र दे, समझ रहे हो? 6 वर्ष मेंबर बना दिया जाए तो 6 वर्ष बाद आईएएस बनेगा कि नहीं मैम, क्योंकि अभी तो रिटायर्ड नहीं हुआ है। आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया अभिषेक, आप हम बच्चे, आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, ठीक है? चलो आ जाओ यहाँ पे। अब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का क्या प्रोविजन है? इसमें ना बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। संयुक्त का मतलब क्या? देखो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक आयोग का गठन हो सकता है, ठीक है जी? हो सकता है, अलग से नहीं है संविधान में कि हुआ है, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग तो है ही, हो सकता है। अब संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जहां सीधे संविधान में किया गया है, भाई सीधे संविधान में मिलेगा ना आपको यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग, वहीं ये जो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन होता है ये राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद करती है। 2 राज्य विधानमंडल गए संसद के पास कि संसद जी ऐसा है, हमारे 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं इनके लिए एक संयुक्त आयोग बना दीजिए आप, ठीक है? बना देंगे। अब संसद क्या करती है, अधिनियम द्वारा बनाएगी। अगर सुनो, संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रोविजन होता तो फिर आग्रह करने की जरूरत ही नहीं होती, ऑलरेडी बना हुआ होता। तो इस डिफरेंस को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। संघ लोक सेवा आयोग का प्रोविजन संविधान में डायरेक्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रोविजन संविधान में डायरेक्ट है, लेकिन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की जहां तक बात है वहां पे राज्य विधानमंडलों को आग्रह करना पड़ेगा। किससे? संसद से।
अब संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक आयोग एक सांविधिक संस्था है, ना कि संवैधानिक निकाय। ये संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ये क्या होगी भाई? इसको विधि द्वारा बनाया गया है ना बाद में संसद ने, तो ये सांविधिक संस्था है ना कि संवैधानिक निकाय। पीटी लिख लेना, ऑप्शन में आता है ना, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग। समझ रहे हो? तो ध्यान रखना, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन राज्यों के आग्रह पर संसद करती है, अधिनियम द्वारा स्पेशल बनाया जाता है उसको, इसलिए वो संवैधानिक आयोग नहीं है बल्कि क्या होगा? सांविधिक आयोग होगा। ठीक है, 1966 में पंजाब से पृथक हुए हरियाणा और पंजाब के लिए अल्पकालीन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया था, और जैसे ही अपना कार्य पूरा करेगा ये अपना चला जाएगा। अब पंजाब का अलग आयोग है, हरियाणा का अलग आयोग है। अब यहां ध्यान रख लेना, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? भाई दो या दो से अधिक राज्यों के लिए आयोग है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा था? बस 10 मिनट और दे दो, 10 मिनट में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बताओ कौन कर रहा था? गवर्नर कर रहा था। वेरी गुड। यहां पे नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। यहां से पीटी का क्वेश्चन बनता है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, संसद ने विधि द्वारा बनाया है। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो, कार्यकाल सेम होता है लेकिन नियुक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया या हटाया जा सकता है किसी भी समय। अब एक बात बताओ, यहाँ पे नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों को भी कौन? सारा काम मोटे तौर पे हमें ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज ही नहीं होना है। क्या ध्यान रखना है कि भाई जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है उसको राज्य विधान मंडलों के आग्रह पे बनाया गया। ठीक है जी, बना दिया गया। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति पद से हटाते हैं, राष्ट्रपति को ही ये त्याग पत्र देंगे, और इनकी सेवा शर्तें, इनकी संख्या कितनी होगी, ये सब राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। राज्यपाल का इसमें कोई रोल नहीं होता। और इसका रीजन क्या है? कौन से वाले राज्यपाल को लाएं भाई? हरियाणा के राज्यपाल का रोल को लाएं कि पंजाब के राज्यपाल के रोल को लाएं? दोनों में क्लैशेस भी तो हो सकते हैं, इसलिए स्यापा ही खत्म। सारी शक्ति दे दी किसको? राष्ट्रपति को। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रगति की रिपोर्ट संबंधित राज्यपालों को सौंपता है, प्रत्येक राज्यपाल। अब बस रिपोर्ट किसको सौंपेगा? रिपोर्ट किसको सौंपेगा भाई? जो पंजाब, मान लो ये मैं इसका एग्जांपल दे रही हूं, 1966 में जो जो पंजाब से संबंधित मुद्दे हैं पंजाब के राज्यपाल को, हरियाणा से संबंधित मुद्दे हरियाणा के राज्यपाल को। और ये राज्यपाल को क्यों रिपोर्ट सौंपता है? क्योंकि विधानमंडल के समक्ष कौन रखवाएगा? राज्यपाल रखवाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग राज्यपाल के अनुरोध व राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। ये तो हमने कल देखा था संघ लोक सेवा आयोग में, ये अलग से आ गया है, छोड़ो इसको, इसको काट दो। ऊपर वाली बात समझ गए? अब ये हो गया हमारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग में। आपको इतना ही ध्यान रखना है, मैं फिर से रिवाइज करा रही हूं, दो या दो से अधिक राज्य आग्रह करें कि भाई हमारे लिए संयुक्त आयोग बना दो, तो संसद विधि द्वारा बना सकती है। दूसरी बात, जहां संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय हैं, वहीं पे जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है ये क्या है? ये सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसका गठन विधि द्वारा किया गया है संसद में। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। कार्यकाल 6 या 62 सेम होगा। त्याग पत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। इनकी संख्या और सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। रिपोर्ट किसको देंगे? क्योंकि रिपोर्ट विधानमंडल में रखी जानी है ना, तो राज्यपाल को देंगे। बस इतना याद रखना है,
भारत सरकार अधिनियम 1919 की व्यवस्था के अनुसार 1926 में, ये आपको कभी पूछ ले, जो 1919 का एक्ट था ना हमारा, उसके अनुसार 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार न केवल संघ लोक सेवा आयोग, बल्कि फिर 1935 में जो 1935 का अधिनियम आया उसके तहत फिर संघ लोक सेवा आयोग बना, राज्य लोक सेवा आयोग बना, दो या दो से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी उसमें प्रोविजन किया गया था। ये तो एक्ट हम अलग से पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा राज्य लोक सेवा आयोग बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। इसमें आपको मेनली, मैंने आपको बताया था ना, लास्ट में बताऊंगी क्या क्या याद रखना है। इसमें आपको मेनली तीन चार चीजें याद रखनी है कि भाई राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है, वो तो सारी चीजें हमको पता है, हटा कौन रहा है, राष्ट्रपति, और संयुक्त जो लोक सेवा आयोग है इसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहे हैं और हटा भी राष्ट्रपति रहे हैं। कहां विधि का यार आपका क्वेश्चन नहीं अनुबाबा मुझे समझ में आया? ठीक है ठीक यार। संचित निधि, रंजेश, संचित निधि को यार डिटेल में दो संसद में समझाया है, डिटेल से आपको मिल जाएगा संसद के तीसरे या चौथे पार्ट में, आप एक बार देख लेना कृपया करके। ठीक है, क्लियर हो गया सिंपी। अब कुछ आर्टिकल हैं, इस आर्टिकल में आप लोगों को सारे आर्टिकल याद नहीं करने हैं, मैं बता देती हूं आपको क्या क्या याद करना है। लोक सेवा आयोग कोई जरूरत नहीं है यार, कोई जरूरत नहीं है बाद वाले, इसमें बस आपको 315 देख लेना है। कहां गया यार मेरा मार्कर, ये 315 देखना है। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का जिक्र है 315 में। 316 में सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल दिया गया है, ठीक है, और 317 में बर्खास्तगी, मतलब 15, 16, 17। 15 में क्या है? संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, 16 में नियुक्ति तथा कार्यकाल, 17 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी तथा निलंबन। फिर आपको ये सब याद करने की, इतना देखो लिमिटेड पढ़ो, बार बार पढ़ो, ये आर्टिकल याद भी कर लोगे तो आप ईमान, कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। अब मैंने ये सोचा है दोस्तों, आज फिर से आप लोग पहले ये बताओ, क्या नेट नहीं चल रहा है क्या? नेट तो चल ही रहा है, क्लियर है, क्लियर है ना, वेरी गुड। देखो तो मैंने ये सोचा है आप लोगों को एक मेंस का क्वेश्चन आज भी मिल जाएगा। आप लोगों ने लिखा है, आप लोगों को मेंस का क्वेश्चन एक आज भी मिल जाएगा। कल हम वित्त आयोग पढ़ेंगे, कल हम क्या करेंगे देखो, कल हम वित्त आयोग पढ़ेंगे। एक क्लास में क्या करेंगे ना, एक क्लास ऐसी रखेंगे जिसमें जितने मैंने आपको मान लो 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो चारों क्वेश्चन एक बार ही डिस्कस कर दूंगी मैं। इस बार के लिए कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया हमारा, कल वाला क्वेश्चन हम कल कर लेते तो सही रहता। आज दो क्वेश्चन डिस्कस करने में मुझे कम से कम 35 मिनट चाहिए, कम से कम 35 मिनट, क्योंकि सिर्फ आप लोगों को ऐसे धप्पा नहीं होता, धप्पा लगा के भाग नहीं जाना है मुझे, आप लोगों के दिमाग में चीजें फिक्स करवानी है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा राज्य लोक सेवा आयोग भी कंप्लीट होता है। आप लोगों का दायित्व होगा इसे रिवाइज करना, अच्छे से रिवाइज करना। बाकी दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, unacademy_lalita_kumari, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मेरी सारी क्लासेस स्पेशल यूट्यूब प्लस हर क्लास का लिंक टाइमिंग यहीं पे मिल जाएगा, PDF आपको यहीं पे मिलेगी, मेंस का क्वेश्चन आपको यहीं पे मिलेगा। मैं या तो कल की क्लास तो एक्चुअली कोर शीट में फिल है, मैं परसों की क्लास स्पेशल मेंस के आंसर राइटिंग के लिए ही रख दूंगी, और जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं ना उन सारे क्वेश्चन को एक ही दिन डिस्कस कर दूंगी, मतलब एक क्लास हम ऐसी रख लेंगे। ठीक है, इस बार के लिए। और 11:45 पे, अभी 11:45 पे स्पेशल पे अपनी क्लास होगी, पॉलिटी के MCQ होंगे उसमें, तो जो बच्चे जुड़ते हैं वेरी गुड, जो नहीं जुड़ते हैं इसी टेलीग्राम ग्रुप पे
उस क्लास का लिंक मिल जाएगा, आप मुझसे वहां पे जुड़ सकते हैं, ठीक है, वहां पे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। 7 जुलाई को बहुत सारे ऑफर का एंड होने वाला है, तो जिस भी बच्चे को सब्सक्रिप्शन लेना है वो लें, और आपको यूज करना है मेरा रेफरल कोड ललिता वाईटी, 10% डिस्काउंट, और आपके सिलेक्शन तक मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा। टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, मिलते हैं 11:45 पे स्पेशल पे, और कल वित्त आयोग हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जय हिंद।